Assalamualaikum. This is your first lab of food process engineering. Food process engineering is a scientific multidisciplinary field dealing with the development and refinement of food products. अब ये food products की refinement and development का काम कर रही है, food की storage और उनकी हम उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने की बात करते हैं कि हमें जो ह्यूमन यूज के लिए हमें जो फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो एंड यूज में, वो अगर हम उसे स्टोर भी करें, अगर उसे लोग जो हैं उसे बाय करने के बाद उसे स्टोर भी करें या डिफरेंट, वो तो उसकी जो शेल्फ लाइफ होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि लोग उसे स्टोर कर सकें अच्छे टाइम तक, और उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो अच्छी मिकदार में, वो अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी के साथ वो लोगों को अवेलेबल रहे ताकि उसमें कोई खराबी ना हो। ऑब्वियसली अब हम एक प्रोडक्ट को हमने प्योरीफाई भी करना है, हमने हमें उसकी स्टेरिलाइज भी करना है, हमें उसके अंदर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है उसे भी खत्म करना है, हमें उसे पैस्चराइज भी करना है ताकि जब हम उसे डिफरेंट पैकेजिंग में हम उसे पैक करें फूड प्रोडक्ट्स को या नॉन पैकेज फूड प्रोडक्ट्स भी हैं, तो हमें उसको इस तरह से साफ रखना है कि उसमें कोई माइक्रोब्स, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ऑब्वियसली अब ये सब चीज़ें एक बहुत बड़े लेवल पर और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में जो हैं ये सब चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म हो रही होंगी, क्योंकि जो फूड प्रोडक्ट्स जितने भी बनते हैं वो सब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में, शायद चाहे वो बेवरेज इंडस्ट्री हो जैसे कोक है, पेप्सी है, कोक तो यहाँ पर हमारे रहीमिया खान में भी एग्जिस्ट करती है, तो आप देखेंगे बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। अब ऑब्वियसली उनके लिए उन्हें अपने फूड प्रोडक्ट्स को उन्हें सिक्योर भी करना है, उन्हें स्टेरलाइज भी करना है, उसे पैस्चराइज भी करना है ताकि उसमें कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट ना हो। तो जब ये सब प्रोसेस करने के लिए उन्हें डिफरेंट इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में कुछ इक्विपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप फ्रिक्वेंटली पढ़ेंगे और जो कि आपको ये जो कि फूड को प्रोसेस करने के लिए, फूड को प्रोसेस, पूरा प्रोसेस फूड बनाने के लिए आपको हर चीज को एक इक्विपमेंट से पास कराना पड़ेगा। तो उन इक्विपमेंट की ऑपरेशन और मेंटेनेंस को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आज जो हम इस लैब में स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट सेशन में लैब के, वो है हीट एक्सचेंजर। हम इस लैब में स्टडी करेंगे जो कि फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग का एक बहुत ही मेजर प्रोसेस इक्विपमेंट है, हीट एक्सचेंजर। हम उसकी मेंटेनेंस और उसकी ऑपरेशन भी पढ़ेंगे कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और उसकी जो उसको मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस से क्या मुराद है। मेंटेनेंस से मुराद ये है कि अगर एक चीज, जैसे आपको पता है हमारे घर में पेडिस्टल फैन होते हैं, ठीक है, आपके पास एक सीलिंग फैन भी होते हैं, आपको हर चीज, आपके पास एयर कंडीशनर आपके घरों में जिनके अवेलेबल है, एसी अवेलेबल होते हैं, वो इन एसी एयर कंडीशनर्स को भी आपको पता है कि, और अपने आपको फैन को भी, आपको उनको सफाई की जरूरत होती है, आप उनको पीरियोडिकली उनको क्लीन कर रहे होते हैं, तो ये आप उसकी मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। जैसे आप अपने एयर कंडीशनर की सर्विस के लिए भी बुलाते हैं, आप अपने फ्रिज की सर्विस के लिए भी बुलाते हैं, तो ये सारे डिफरेंट हमारे होम इक्विपमेंट्स हैं जो कि हमारे घरों में लगे हुए होते हैं और हम उन्हें डिफरेंट इक्विपमेंट्स के, हम उन्हें डिफरेंट अपने पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह जब आप एक इंडस्ट्री में प्रोसेस फूड में आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, तो जहां आपको उसकी ऑपरेशन समझना एक फूड इंजीनियर, फूड प्रोसेसर के लिए जरूरी है, उसको मेंटेन रखना भी ताकि वो अच्छी तरह, उसका ऑपरेशन 100% हो, उसकी एफिशिएंसी 100% हो, उसकी वर्किंग 100% हो, तो उसके लिए आपको उसकी पीरियोडिकली आपको कुछ अरसे बाद उसको मेंटेन रखना, उसकी सफाई करना, उसकी मेंटेनेंस रखना बहुत जरूरी होता है। और ये किसी भी इक्विपमेंट के लिए, जो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, मेंटेनेंस इज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि आपको परफॉर्म करना होता है और करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा इस लैब का जो टाइटल है, पूरा कंप्लीट टाइटल, वो क्या होगा। मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग प्रोसेसेस हीट एक्सचेंजर्स।
यानी ये हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम एक और इक्विपमेंट भी स्टडी करेंगे, इंजीनियरिंग प्रोसेसेस के लिए जो हमारे पास इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं उनमें से आज हम एक के मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हीट एक्सचेंजर। सो बेसिकली इस जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो लैब सेशन है, इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं या इसके दो पर्पस हैं। अब वो जो ऑब्जेक्टिव या पर्पस है वो क्या है कि आपने एक तो वर्किंग या ऑपरेशन समझना है हीट एक्सचेंजर का, और आपने अंडरस्टैंड करना है उसके मेंटेनेंस के प्रोसीजर को भी कि आप उसको किस तरह मेंटेन रख सकते हैं हीट एक्सचेंजर को, ताकि वो 100% एफिशिएंसी, 100% वर्किंग एबिलिटी के साथ काम करे और अपना जो प्रोसेस जो कि उस इक्विपमेंट के थ्रू, इस हीट एक्सचेंजर के थ्रू परफॉर्म करना है, वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ, मैक्सिमम एबिलिटी के साथ वो परफॉर्म कर सके। सबसे पहले हम हीट एक्सचेंजर का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि हीट एक्सचेंजर है क्या। हीट एक्सचेंजर इज बेसिकली, हीट एक्सचेंजर आर डिवाइसेस डिजाइंड टू ट्रांसफर हीट बिटवीन टू और मोर फ्लूइड्स, दैट इज लिक्विड्स, वेपर्स और गैसेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स। हीट एक्सचेंजर, अगर आप इस वर्ड पे ही गौर करेंगे, इस वर्ड को ही समझ लेंगे, आपको बहुत हद तक इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो समझ आ सकता है इजीली। हीट एक्सचेंजर के नाम से ही पता चल रहा है कि ये हीट को एक्सचेंज कर रहा है। एक्सचेंजर है ना, एक्सचेंज यानी तब्दील करना, चेंज करना, कन्वर्ट करना, तो ये हीट को ट्रांसफर कर रहा है। हीट को ट्रांसफर कैसे कर रहा है, ये दो डिफरेंट फ्लूइड्स होंगे, वो फ्लूइड्स वो लिक्विड भी हो सकते हैं, वो वेपर, वो स्टीम फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं। कि आपके प्रोसेस फ्लूइड पे डिपेंड करता है, आपने जो वो आपने गैस को हीट करना है या कूल करना है, यानी आपने हीट एक्सचेंजर में जो फ्लूइड पास कराना है वो गैस भी हो सकती है, वो वेपर भी और वो लिक्विड भी हो सकता है। वो अब आपके हर इंडस्ट्री, हर फूड के अपने प्रोसेस क्योंकि होंगे, उसमें वो कोई भी फेज में हो सकता है, वो लिक्विड फेज में, वो वेपर फेज में, वो गैस फेज में भी एग्जिस्ट कर सकता है। सो बेसिकली हीट एक्सचेंजर में हीट ट्रांसफर होती है दो डिफरेंट या दो से ज्यादा फ्लूइड के दरमियान, और वो उनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है। टेम्परेचर डिफरेंट होने से मुराद क्या है, टेम्परेचर डिफरेंट होने का मतलब ये है कि आपके पास एक जो, क्योंकि आपके पास दो फ्लूइड है, तो आपके पास जो फ्लूइड, सपोज फ्लूइड नंबर वन है वो कोल्ड होगा, और जो फ्लूइड नंबर टू है वो आपके पास हॉट होगा। अब हॉट और कोल्ड होने से क्या मुराद है कि उनके टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, यानी एक का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो दूसरे का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर आपके पास जो कोल्ड फ्लूइड है 20 डिग्री, जो कि सपोज आपने इस कोल्ड फ्लूइड को आप हॉट फ्लूइड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, आप हीट एक्सचेंजर में से अपना ये कोल्ड फ्लूइड है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस वाला है वो पास करवाएंगे, और आप हॉट फ्लूइड भी एक कोई आपके पास जो ऑलरेडी हॉट फ्लूइड होगा वो पास कराएंगे, ताकि क्या हो, आपके पास जो हॉट फ्लूइड है उसका जो टेम्परेचर है वो कोल्ड फ्लूइड में भी कन्वर्ट हो जाए, और जो कोल्ड फ्लूइड जो कि हमारा प्रोसेस फ्लूइड है जिसे कि हम गर्म करना चाह रहे हैं, जिसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करना चाह रहे हैं, उस फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए। जैसे कि अक्सर आपने देखा हुआ होगा, ये बिल्कुल उसी तरह का प्रोसीजर है कि हीट ट्रांसफर हो रही है ना, हीट एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में ट्रांसफर हो रही है। जैसे कि अगर आप देखें कि अगर आप स्पून को स्टोव के ऊपर, चूल्हे के ऊपर रख के अगर आप गर्म करेंगे, आप उसको पीछे से पकड़ा हुआ होगा, अगर आप उसकी टिप को गर्म करेंगे, ये बड़ी आम सी और यूजुअल सी प्रैक्टिस है, आपको महसूस होगा कि वो जो मेटल स्पून है उसका, जहां से आपने पकड़ा हुआ है, हालांकि उसको आपने स्टोव पे नहीं रखा, उसको आपने फायर पे आग पे नहीं रखा, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगेगा कि वो जो जहां से आपने स्पून को होल्ड किया हुआ है वो भी चीज गर्म हो रही है। और अगर आप 5 मिनट तक पकड़ेंगे, 5 मिनट से ज्यादा अगर आप उसको स्पून को पकड़ के उस स्टोव के ऊपर रखेंगे, रखे मुसलसल आपने रखा हुआ है, तो वो ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर का प्रोसेस होता है, हीट एक्सचेंज होने का प्रोसेस होता है। और वो हीट एक्सचेंज कैसे होती है कि वो हीट एक्सचेंज होती है स्पून की टिप से उसकी बैक पे,
ट्रांसफर होके, और वो फिर आपके हाथ पे आपको महसूस होता है कि आप अब उसकी बैग को भी पकड़ नहीं सक रहे क्योंकि अब वो भी गर्म हो चुकी है और वो ज्यादा गर्म हो गई है। तो ये हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है। तो इसी तरह हीट एक्सचेंजर में भी यही ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर होता है। ये ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर यानी एक आपके पास फ्लूइड जो के जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और एक फ्लूइड जिसका टेम्परेचर बहुत कम है। अब आप उस कम फ्लूइड वाले को चाहते हैं कि वो गर्म हो जाए, तो अब आप उसमें से जब उसको एक तरह से आप एक इनलेट से आप कोल्ड फ्लूइड पास करवाएंगे, ठंडा फ्लूइड पास करवा रहे हैं जिसको आप गर्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ से अब आप एक गर्म फ्लूइड पास करा रहे हैं। जब वो इस इक्विपमेंट में से, इन पार्ट्स में से गुजरेंगे तो आपस में वो जब पास करेंगे तो पास करके उनका जो हीट है, उनकी हीट एक फ्लूइड की दूसरे फ्लूइड में, गर्म की ठंडे में ट्रांसफर हो जाएगी। तो जब वो हीट ट्रांसफर होगी तो जो आपका प्रोसेस फ्लूइड है, जो कोल्ड फ्लूइड है, वो अब जब आप उसको आउटलेट से निकालेंगे तो जब आप उसका टेम्परेचर देखेंगे वो टेम्परेचर ज्यादा होगा 20 डिग्री सेल्सियस से, क्योंकि अब आपने वो ही हीट एक्सचेंजर से उसको पास कराया, तो वो जो हीट जो है वो जो दूसरे फ्लूइड में से पास करी थी वो उसने अब्सॉर्ब कर ली, और खुद भी वो ठंडा जो फ्लूइड था वो भी अब गर्म हो गया और उसका टेम्परेचर जो है वो राइज कर गया है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर एम्प्लॉयड, द हीट ट्रांसफरिंग प्रोसेस कैन बी गैस टू गैस, लिक्विड टू गैस और लिक्विड टू लिक्विड एंड अकर थ्रू अ सॉलिड सेपरेटर विच प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड और डायरेक्ट फ्लूइड कॉन्टैक्ट। यानी आपके पास डिफरेंट अब टाइप्स होंगी हीट एक्सचेंजर की, हम डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर वो ये लिख रहे हैं कि अगर आप जिस तरह का आप हीट एक्सचेंजर यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि जो आप अब जो हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं कि दो फ्लूइड होंगे, हो सकता है कि फ्लूइड वन भी गैस हो और फ्लूइड टू भी गैस हो, तो वो ट्रांसफर जो हीट ट्रांसफर का प्रोसेस होगा वो गैस टू गैस में होगा। ठीक है, अगर आपके पास दोनों फ्लूइड गैस के हैं तो वो हीट ट्रांसफर का प्रोसेस गैस टू गैस हीट ट्रांसफर या हीट एक्सचेंजर प्रोसेस होगा, और अगर एक फ्लूइड आपके पास लिक्विड होगा और दूसरा फ्लूइड आपके पास गैस होगी तो वो लिक्विड टू गैस होगा। और ये भी हो सकता है कि दोनों जो आपके पास फ्लूइड है वो लिक्विड हो, तो फिर आपके पास जो लिक्विड टू लिक्विड वो हीट ट्रांसफरिंग प्रोसेस या हीट चेंजिंग प्रोसेस कहलाएगा। और हमेशा ये दो जो फ्लूइड है वो एक सॉलिड सेपरेटर के थ्रू, यानी अगर आपकी एक जगह से कोल्ड फ्लूइड पास कर रहा है तो दूसरी जगह से हॉट फ्लूइड पास कर रहा है, तो उनके दरमियान में कोई ना कोई सेपरेटर, सॉलिड सेपरेटर होगा ताकि वो जो फ्लूइड है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ना करें। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने की बजाय वो सिर्फ आपस में पास करेंगे, वो पास करेंगे आपस में मिलेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ अपना जो प्रोसेस फ्लूइड है जिसे कि हम आगे पास करना चाह रहे हैं, फ्लूइड वन सपोज जो कि कोल्ड है, हम उसे हॉट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो जो हमारा जो फ्लूइड वन है हमें सिर्फ वही चाहिए, जो फ्लूइड टू दूसरा है हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, हम सिर्फ उसे हेल्पिंग मटेरियल के तौर पर यूज कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें मिक्स नहीं करना चाह रहे कि हमारा जो डिजायर्ड फ्लूइड वन है उसमें कोई कंटामिनेशन हो जाए फ्लूइड टू की, क्योंकि अगर वो अगर आपस में कोई सॉलिड सेपरेटर, कोई आप इस तरह की चीज प्रोवाइड नहीं करते हैं जिससे कि उनका कांटेक्ट ना हो, तो वो आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे तो वो कंटामिनेशन हो जाएगी, फ्लूइड वन और फ्लूइड टू आपस में वो मिक्स हो जाएंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये जो आपको ब्लू में आपको लिंक शो हो रहा है यहाँ पर, एक ये YouTube की एक छोटी सी 2 मिनट की सिर्फ वीडियो है, अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आपको YouTube पे डायरेक्ट कर देगा, और ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपको जो मैंने ये जो सारा प्रोसेस आपको बताया है कि आपके पास एक पाइप से, आपके पास डिफरेंट पाइप्स होंगे, एक पाइप से हॉट फ्लूड एंटर होगा, एक पाइप से कोल्ड फ्लूड एंटर होगा, तो ये जो लिंक है ये इसी प्रोसेस को एक पिक्चर के साथ को एक्सप्लेन कर रहा है, आपको ये समझने में जो है वो आसानी हो सकती है। बहुत शॉर्ट सी वीडियो है, 2 मिनट्स की वीडियो है, ताकि आपको जो प्रोसेस है वो पिक्चर के थ्रू बड़ी इजीली एक्सप्लेन हो जाए। नेक्स्ट एक हीट एक्सचेंजर का पिक्चर दिखाई गई है जो कि यहाँ पर आप डिफरेंट इनलेट्स देख रहे हैं, आपके पास एक तो ये इनलेट है, ये स्टीम इनलेट है,
यानी जो हॉट फ्लूइड है, और ये प्रोसेस फ्लूइड इनलेट है, यानी कोई भी फ्लूइड जिसको आप हीट एक्सचेंजर से कोल्ड है तो अब आप उसे हॉट फ्लूइड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो जो अंडर ऑब्जर्वेशन फ्लूइड होता है उसे आप प्रोसेस फ्लूइड इनलेट कहेंगे, यानी कि अब आप उस फ्लूइड को इस इनलेट के थ्रू, यहाँ से इस पाइप के थ्रू, इस इनलेट के थ्रू आप उसे एंटर करवाएंगे। और इसी तरह आपके पास ये प्रोसेस फ्लूइड आउटलेट है कि यहाँ से अब आपका जो डिजायर्ड फ्लूइड जो कि अब हॉट में कन्वर्ट हो गया है, अब उसमें वो कन्वर्ट होके वो यहाँ से अब आप आउटलेट में उसको ले सकते हैं। और इसी तरह जो स्टीम इनलेट थी, अब स्टीम आउटलेट जो है वो इधर से आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप देखेंगे कि ये रेड में स्टीम इनलेट दिखाया गया है, क्योंकि ये उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये हॉट है, और ये ब्लू में उन्होंने प्रोसेस फ्लूइड दिखाया है कि ये कोल्ड है। तो जब आपके पास ये प्रोसेस फ्लूइड यहाँ आउटलेट में आ रहा है तो अब उसका टेम्परेचर बढ़ गया और वो हॉट में चेंज हो गया है, और जबकि स्टीम आउटलेट जो है वो ब्लू में उसको कलर से शो करवाया, क्योंकि अब उसका उसकी जो हीट थी वो कोल्ड फ्लूइड ने अब्सॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया है, और जो हॉट फ्लूइड ऑलरेडी आपने स्टीम एंटर करवाई थी वो अब उसका टेम्परेचर कम हो गया है, उसके टेम्परेचर कम होने की वजह से उसको उन्होंने ब्लू से शो करवा दिया, ताकि डिफरेंस आपको पता चल जाए ये हीट एक्सचेंजर के प्रोसेस में क्या हो रहा है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि हीट एक्सचेंजर में सपोज आप अपने फ्लूइड को आपके पास हॉट फ्लूइड है और अब आप उसे कोल्ड करना चाह रहे हैं, यानी अब आप उस हीट एक्सचेंजर का पर्पस क्या कर रहे हैं। जो अभी तक मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी वो एग्जाम्पल ये थी कि आपके पास फ्लूइड वन कोल्ड है और फ्लूइड टू जो है वो हॉट है, और फ्लूइड वन जो है उसको अब आप हॉट फ्लूइड में कन्वर्ट और उसके गर्म करना चाह रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है हीट एक्सचेंजर में कि अब आपके पास एक हॉट फ्लूइड है और अब आप उसे कोल्ड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि अब आपका जो प्रोसेस फ्लूइड होगा वो हॉट हो जाएगा और जो दूसरा आपके पास फ्लूइड टू होगा वो अब आपके पास कोल्ड होगा, और फिर वो जो कोल्ड होगा वो हीट अब्सॉर्ब कर लेगा और जो आपके पास हॉट फ्लूइड प्रोसेस फ्लूइड है वो ठंडा होकर बाहर निकलेगा। नेक्स्ट हम जैसे स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में हीट एक्सचेंजर्स का क्या काम है, हम उसे क्यों यूज कर रहे हैं, तो ये स्लाइड भी उसी चीज को दोबारा से आपके पास एक्सप्लेन कर रही है कि हीट एक्सचेंजर का फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या काम है, और आपका उसको समझना, उसका ऑपरेशन, उसके मेंटेनेंस समझना क्यों जरूरी है। थर्मल प्रोसेसिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन। आपको पता है कि आप थर्मल प्रोसेस करते हैं, आप अपने फूड को गर्म करते हैं ताकि आप उसको पैस्चराइज कर सकें, स्टेरिलाइज कर सकें। तो ये सारी इस तरह की चीजें हैं जिसमें आपको फूड को गर्म करना है, उसे डिफरेंट टेम्परेचर पे उसको प्रोवाइड करना है, आप हो सकता है उसे आपने हीट करना हो, कूल करना हो अपने प्रोसेस के दरमियान। तो ये सब जो है ये आपके पास ये सब वो जो फूड प्रोड्यूसर्स हैं वो यूज करते हैं एक हीट एक्सचेंजर ये सारे पर्पजेस को परफॉर्म करने के लिए, ताकि ये जो फूड की थर्मल रिक्वायरमेंट्स है उसको वो पूरा कर सके। हीट एक्सचेंजर्स हैव लॉन्ग बीन अ वाइटल टूल फॉर पैस्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन एंड अदर फूड प्रोसेसिंग नीड्स। के बहुत सारी जो इस तरह के प्रोसेसेस हैं, फूड प्रोसेसेस, उसमें हीट एक्सचेंजर बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक यूज होते हुए आए हैं। इन द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री हीट एक्सचेंजर्स आर ऑफन यूज टू रिड्यूस और एलिमिनेट माइक्रोबियल्स, देयर बाय मेकिंग प्रोडक्ट्स सेफ फॉर कंजम्पशन एंड एक्सटेंडिंग देयर शेल्फ लाइफ। A heat exchanger may also be used to cool or heat products prior to filling, drying, concentration or other processes. ये हो सकता है heat exchanger को आपको different steps पे आपको use करना पड़े, अपने process में एक से ज़्यादा दफ़ा use करना पड़े, वो आपको heating के लिए भी use करना पड़ सकता है, वो अगर आपको किसी चीज़ को dry करना है, dry करने के लिए भी use कर सकते हैं, किसी चीज को किसी कैन में या बॉटल में फिल करना है तो उसके लिए भी आपको पहले हीट एक्सचेंजर यूज करना। तो डिफरेंट पर्पजेज हीट एक्सचेंजर के हैं, जिसमें से एक थर्मल प्रोसेसिंग है। थर्मल प्रोसेसिंग यानी आप हीट आपने अपने फूड को या किसी भी फूड प्रोडक्ट को आपने हीट करना है तो वह थर्मल प्रोसेसिंग होगी। तो इस पर्पज के लिए स्टेरिलाइजेशन, पैस्चराइजेशन, माइक्रोब्स किल करने के लिए डिफरेंट पर्पजेज हैं जिसके लिए आप हीट एक्सचेंजर को फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में यूज करते हैं।
ओके, देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर. इसके अलावा जो मैंने यहाँ पर लिखी है, इसके अलावा भी टाइप्स हैं, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, तो हम सिर्फ मैंने आपको सिर्फ वही टाइप्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. फर्स्ट इज प्लेट हीट एक्सचेंजर, नेक्स्ट इज शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, थर्ड वन इज डबल पाइप हीट एक्सचेंजर. जो प्लेट हीट एक्सचेंजर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल थिन स्लाइटली सेपरेटेड प्लेट्स दैट हैव वेरी लार्ज सरफेस एरियाज एंड फ्लूइड फ्लो पैसेजेस फॉर हीट ट्रांसफर. ये जो आपके पास हीट ट्रांसफर है, इसमें डिफरेंट आपके पास प्लेट्स लगी हुई होती हैं, मल्टीपल प्लेट्स लगी हुई होती हैं, और वो डिफरेंट वो स्लाइटली सेपरेटेड प्लेट्स होती हैं. स्लाइटली सेपरेटेड यानी उनमें थोड़ा सा गैप होगा ताकि उसमें से फ्लूइड पास कर सके. जब आप इतनी प्लेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जब आप ज्यादा ताकि उनका सरफेस एरिया, मल्टीपल प्लेट्स प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि आप सरफेस एरिया उसको, यानी फ्लूइड जो है इन सब सरफेसेस से वो गुजरेगा, वो इन सब प्लेट्स में से बारी बारी गुजर रहा है, कोल्ड फ्लूइड भी हॉट फ्लूइड भी आपका बारी बारी प्लेट्स में से गुजरेगा. तो क्योंकि इन प्लेट्स का ये बड़ा साइज है, ये आसानी से फ्लूइड इसमें से पास करेगा, लार्ज सरफेस एरिया होगा, तो फ्लूइड जो है उसको हीट ट्रांसफर प्रोसेस में उसको आसानी होगी. तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है, ये आपको दिखा रही है कि ये मल्टीपल प्लेट्स लगी हुई हैं, वो थोड़े थोड़े फासले पर वो लगी हुई होंगी, स्लाइटली सेपरेटेड प्लेट्स होंगी. एक तरफ से अब आपके जो है कोल्ड फ्लूड जो है वो एंटर हो रहा होगा, और एक तरफ से जो है हॉट फ्लूड एंटर हो रहा है, और इस साइड से जो है फिर आपके पास जो हॉट फ्लूड होगा वो बाहर निकल रहा होगा, और इस साइड से जो कोल्ड फ्लूड है वो बाहर आ रहा होगा. यानी बेसिकली एक इनलेट पॉइंट है और एक आउटलेट पॉइंट है. ये इनलेट पॉइंट है कोल्ड फ्लूइड का, और ये आउटलेट पॉइंट है, ये हॉट स्ट्रीम का इनलेट पॉइंट है और ये उसका आउटलेट पॉइंट है. तो डिफरेंट इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट्स हैं दोनों फ्लूइड्स के लिए, ताकि वो मिक्स ना हो, सेपरेट रहे, और इन सब प्लेट से वो बारी बारी गुजरते हैं, ताकि वो अपने पर्पस को, जो हीट एक्सचेंज का प्रोसेस है, हीट को एक फ्लूड से दूसरे फ्लूड में पास करने का, ट्रांसफर करने का, वो प्रोसेस अचीव कर सके. अगर आप इस पिक्चर को भी गौर से, इस GIF को देखेंगे, तो भी आपको हीट एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो इजीली एक्सप्लेन होगा. जैसे ये देखें कि आपके पास ये हॉट फ्लूइड जो है अल्टरनेट प्लेट में से पास कर रहा है, और जैसे ही कोल्ड फ्लूइड पास किया जो कि ब्लू में है, वो इधर से पास करते हुए एंटर होते हुए वो इस प्लेट में, अल्टरनेट प्लेट में वो जा रहा है. ये आपस में बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं हो रहा कि हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड पास कर जाए एक प्लेट में, अल्टरनेट प्लेट्स में ये पास कर रहे हैं. जैसे एक प्लेट में से अगर आपके पास कोल्ड फ्लूइड पास कर रहा है, तो नेक्स्ट जो रेड वाला है वो हॉट फ्लूइड पास करेगा नेक्स्ट प्लेट में, नेक्स्ट में से फिर कोल्ड फ्लूइड, और नेक्स्ट में जो लास्ट प्लेट दिखाई गई है उसमें फिर कोल्ड हॉट फ्लूइड पास कर रहा है. तो एक जो है आपके पास इनलेट जो ये दिखाया गया है, वो आपके पास दिखाया गया है कि ये हॉट फ्लूइड का इनलेट है, और जो नीचे वाला आपके पास दिखाया गया है, ये दिखाया गया है कि ये कोल्ड फ्लूइड का इनलेट है. ये जो आपके पास ये दिखाया गया है, ये वाला आउटलेट जो है, ये आउटलेट दिखा रहा है कि जो अब आपके पास कोल्ड हॉट फ्लूइड था, वो अब उसका टेम्परेचर लो हो गया है, क्योंकि उसने अपनी हीट जो है कोल्ड फ्लूइड को ट्रांसफर कर दी है, और वो कोल्ड फ्लूइड जो है अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है, और वो फिर अब यहाँ से पास कर रही है आउटलेट से. तो ये डिफरेंट प्रोसेस है, और ये प्लेट्स जो हैं, ये इनमें से बारी बारी अल्टरनेट वेज में एक प्लेट से अगर कोल्ड फ्लूइड पास कर रहा है तो दूसरी में से हॉट फ्लूइड, ताकि ये दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में ना आए, इसलिए ये सेपरेटेड फॉर्म में जो है आपस में आहिस्ता आहिस्ता ये पास करती जाती है. नेक्स्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इज शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर. अब इस जो हीट एक्सचेंजर है, इसमें आपके पास दो सेट ऑफ ट्यूब्स आप कह ले हैं. एक सेट ऑफ ट्यूब जो है वो आपके पास उस फ्लूइड के लिए है जिसको आप या तो जो कि ऑलरेडी जो है या तो वो हीट फॉर्म में होगा, या तो वो गर्म होगा, या वो कोल्ड फॉर्म में होगा, ठंडा होगा, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होगा. और एक वो सेकंड फ्लूइड जो कि उस ट्यूब में से गुजरेगा, जिसको आप चाहते हैं या तो आप उसे ठंडा करना चाह रहे हैं, या आप उसको गर्म करना चाह रहे हैं, यानी जो
आपके पास प्रोसेस फ्लूइड होगा, वो एक ट्यूब में से पास करेगा। सो इनमें से कोई एक जो है वो हीट अब्सॉर्ब करेगा और एक जो है हीट रिलीज करेगा, और वो जो हीट एक्सचेंज और हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। अब इसमें भी आप देखेंगे कि ये जो यहाँ से आपके पास एक ट्यूब फ्लूइड का इन होने का है, और यहाँ पर डिफरेंट ये जो आप दिखा रहे हैं ये भी बेफल्स जिन्हें कहते हैं, हम कह लें कि ये डिफरेंट रुकावटें हैं ताकि फ्लूइड इनमें से बारी बारी पास करें। तो ये बेफल्स प्रोवाइड की गई हैं, एक इनलेट जो है आपके पास प्रोवाइड किया गया है जो कि जिसको अंडर ऑब्जर्वेशन जो आपके पास फ्लूइड है प्रोसेस फ्लूइड के लिए, ये प्रोसेस फ्लूइड के लिए है, और ये ऑलरेडी जो आपके पास सपोज अगर आप आपके पास ऑलरेडी जो ठंडा या गर्म मटेरियल प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, यहाँ से आप वो आउट कर सकते हैं और यहाँ से आप इन करेंगे और यहाँ से जो आपके प्रोसेस फ्लूइड है वो आउट होगा। तो वो क्या होगा कि ये बारी बारी इसमें से गुजर के इस तरह की फॉर्म में वो यहाँ से आउट होगा, और इसी तरह ये जो फ्लूइड इन है ये भी आपके पास ये जो बाहर वाली ट्यूब है उनमें से ये पास करेगा। फर्दर ये अगर आप GIS ये देखेंगे, GIF देखेंगे, तो आपको ये भी बड़ी इजीली एक्सप्लेन कर देगा कि आपके पास आप देख रहे हैं कि यहाँ से ब्लू जो यानी जो आपके पास कोल्ड फ्लूइड है वो यहाँ से बाहर इस ट्यूब में से गुजर रहा है, वो जिगजैग फॉर्म में से नहीं, एक स्ट्रेट फॉर्म को वो फॉलो कर रहा है, अगर आप ये ब्लू फॉर्म देख रहे हैं, ठीक है, और ये फिर यहाँ से इस आउटलेट से बाहर आ जाएगा। अगर आप यहाँ इस वाले को देखेंगे तो यहाँ से अब आपके पास ये एक रेड फॉर्म में ये आ रहा है जो कि बेफल्स से गुजरते हुए एक जिगजैग पाथ फॉलो कर रहा है जो कि है आपके पास हॉट फ्लूइड। सो इस फॉर्म में ये फ्लूइड जो है ये पास करते हैं, मूव करते हैं ताकि ये कॉन्टेक्ट में ना आए। तो ये डिफरेंट एक ये बाहर की तरफ एक ट्यूब है जहां से आपके पास कोल्ड फ्लूइड मूव कर रहा है, और ये एक जिगजैग फॉर्म में है जो कि हॉट फ्लूइड कह सकते हैं आप पास कर रहा है रेड फॉर्म में, तो और फिर ये आउटलेट से पास आउट हो जाएगा, और ये उसकी आउटलेट है जहां से आपके पास हॉट फ्लूइड जो है वो आउटलेट में पास होगा। अब ये डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, तो डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट इक्विपमेंट्स डिफरेंट इंडस्ट्री के पास डिफरेंट तरह के ब्रांड्स के होंगे, डिफरेंट कंपनियों के बने हुए होंगे, तो हो सकता है किसी की इनलेट एंड आउटलेट की पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका एक ही जैसा रहता है, क्योंकि उन्होंने आपस में कॉन्टैक्ट नहीं करना दोनों फ्लूइड ने, और सिर्फ हीट ट्रांसफर का प्रोसेस करना है कि जो हॉट फ्लूइड है जब वो पास कर रहा है तो वो अपनी जो हीट है वो रिलीज करेगा, और जो कोल्ड फ्लूइड है वो उस हीट को जस्ट कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा और खुद गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है वो है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, इट इज ऑल्सो नोन एज कंसेंट्रिक ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ट्यूब हीट एक्सचेंजर है। दो तरह के बेसिकली इसमें जो है आप कह लें पाइप है, एक जो पाइप है वो ग्रीन कलर में है और जो दूसरा टाइप है ट्यूब है वो आपके पास रेड कलर में है। जो आपके पास ट्यूब टू है जो कि ग्रीन कलर में है, उसमें से एक फ्लूइड पास करेगा, और इसी तरह जो दूसरा फ्लूइड है वो आपके पास रेड में से पास करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि अब आपके पास प्रोसेस फ्लूइड जो है वो गोल्ड है या व्हाट है, तो उसकी बेस पे लेकिन मेजर जो प्रोसेस है वो यही है कि दोनों फ्लूइड के टेम्परेचर में फर्क होगा और वो डिफरेंट उनके क्योंकि टाइप्स हैं, तो सिर्फ ये डिफरेंट टाइप्स के थ्रू उनकी उनकी पोजीशन जो है वो चेंज होती है कि एक प्लेट में से प्लेट हीट एक्सचेंजर है तो उसमें प्लेट की शेप्स हैं तो उनमें से बारी बारी फ्लूइड पास कर रहा है, एक प्लेट में से कोल्ड फ्लूइड, एक प्लेट में से हॉट फ्लूइड। तो इसी तरह जो आपके पास शेल एंड ट्यूब है उसमें डिफरेंट ट्यूब है, उसमें इस तरह से है कि आपके पास एक ट्यूब जो है वो जिगजैग फॉर्म में आपके पास मूव कर रहा है और एक फ्लूइड जो है वो स्ट्रेट फॉर्म में बाहर वाली ट्यूब में से पास कर रहा है। इसी तरह आप जो डबल पाइप है इसमें दो आप कह लें पाइप प्रोवाइड है, एक रेड वाला है जो कि उसमें से पास कर रहा है और एक आपके पास ग्रीन वाला है जिसमें से फ्लूइड पास कर रहा है। अब वो हो सकता है आपका जो प्रोसेस फ्लूइड हो आप उसे हो सकता है कि आप उसे वो कोल्ड हो ऑलरेडी और आप उसे गर्म करना चाह रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि वो हॉट हो और अब आप उसे कोल्ड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं।
ओके नेक्स्ट जो है वो मेजर जो हमारा पार्ट है एक्सपेरिमेंट का, इस लैब सेशन का, वो स्टार्ट हो रहा है कि हम ये देखने जा रहे हैं उसका ऑपरेशन क्या है हीट एक्सचेंजर का। बहुत सारी जो चीजें हैं वो, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन में और आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर की वर्किंग एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन ये मजीद जो है उसका वर्किंग और उसके ऑपरेशन को क्लियर कर देगा। हीट एक्सचेंजर फैसिलिटेट्स हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ऑफन दीज मीडिया आर टू प्रोसेस फ्लूइड स्ट्रीम्स सच एज ऑयल, वाटर, स्टीम, गैस, एयर एक्सेट्रा। इन जनरल वन फ्लूइड हैज टू बी सिग्निफिकेंटली हॉटर देन द अदर। अभी तक जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उसमें आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि बेसिकली दो फ्लूइड होंगे और उनका टेम्परेचर डिफरेंस होगा। एक फ्लूइड जो है वो रिलेटिवली गर्म होगा और एक फ्लूड जो है वो मुकाबले में रिलेटिवली कम होगा टेम्परेचर में। जैसे कि मैं आपको 20 डिग्री एक फ्लूड का टेम्परेचर, 20 है और एक 40 डिग्री है, वो उनके टेम्परेचर में डिफरेंस है। तो यही बात लिखी गई है कि एक फ्लूड जो है सिग्निफिकेंटली हॉटर होगा, कि उसका टेम्परेचर दूसरे फ्लूड से बहुत ज्यादा होगा। और उन्होंने ये बात की है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी एक फ्लूड से दूसरे फ्लूड में वो ट्रांसफर हो सकते हैं। जिस तरह की हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ये लिक्विड टू गैस ट्रांसफर भी हो सकता है, ये गैस टू गैस भी हो सकता है, और ये लिक्विड टू लिक्विड भी हो सकता है। तो ये इन्होंने यही बात की है कि दो एक मीडियम से एक दूसरे मीडियम में कन्वर्जन है, हीट की ट्रांसफर ऑफ हीट है, और वो कोई भी चीज हो सकती है। वो ऑयल की फॉर्म में हो सकती है, वो वाटर हो सकता है, वो स्टीम हो सकती है, वो गैस हो सकती है। So, ये जो है ये कोई भी आपका प्रोसेस जो फ्लूइड है वो कोई भी हो सकता है। सो वी हैव अ हॉट एंड अ कोल्ड फ्लूइड एंड अ हीट एक्सचेंजर इनेबल्स द हीट टू फ्लो फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू कोल्ड टू अ मेटालिक वॉल। अब यहाँ पर वही बात है कि जैसे आपको मैंने स्पून की, मेटल स्पून की एग्जांपल दी थी कि आप उसको स्टोव के ऊपर रखते हैं तो वो हीट ट्रांसफर उसकी टिप से जो कि स्टोव के ऊपर पड़ी है उसकी बैक की तरफ होती है, जो कि जिसको आपने स्पून को पकड़ा हुआ है जहां से, तो वो हीट ट्रांसफर का प्रोसेस होता है क्योंकि मेटल एक हीट का अच्छा कंडक्टर है। तो इसी तरह हीट एक्सचेंजर भी जो है, हीट एक्सचेंजर में भी एक सेपरेटर, एक मेटालिक सेपरेटर प्रोवाइड किया गया होता है जिसके थ्रू जो है एक फ्लूइड, ताकि उनका कॉन्टैक्ट भी ना हो, एक तो वो मिक्स भी ना हो, एक सेपरेटर ये भी काम करता है, और दूसरा ट्रांसफर ऑफ हीट को, जो है वो इजी भी बनाता है। क्योंकि जो हॉट फ्लूइड है वो अपनी हीट जो है वो रिलीज करेगा और जो कोल्ड फ्लूइड है वो उस हीट को अब्सॉर्ब कर लेगा। बेसिकली यही हीट हीट एक्सचेंजर चैनल्स द फ्लो ऑफ हॉट एंड कोल्ड स्ट्रीम्स टू पैसेजेस सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मेटल सरफेस। फिर से उन्होंने ये बात की है कि दोनों अलग अलग फ्लो करते हैं, हॉट एंड कोल्ड स्ट्रीम्स जो है वो अलग अलग पास करती हैं और उन्हें सेपरेट किया गया होता है ताकि वो मिक्स ना हो और इजीली जो है हीट ट्रांसफर का प्रोसेस हो सके, इसलिए मेटल सरफेस के थ्रू उन्हें सेपरेट किया जाता है। थैंक्स टू द हीट, हाई हीट कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट स्ट्रीम टू द कोल्ड वन। और जैसे कि मैं आपको मेटल स्पून से भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि ही मेटल जो है वो हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो उसकी वजह से बहुत अच्छी तरह हीट ट्रांसफर का प्रोसेस, एक प्रोसेस हीट फ्लो करने का बहुत आसानी से हो सकता है। सो द हॉट फ्लूइड एग्जिट द हीट एक्सचेंजर अ लिटिल कोल्डर, यानी जो आपके पास जो हॉट फ्लूइड जो गर्म स्ट्रीम होगी वो अब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी और जो आपके पास कोल्ड स्ट्रीम होगी वो अब गर्म हो जाएगी, अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि जो हॉट फ्लूइड है वो अपना टेम्परेचर रिलीज करती है, वो रिलीज करेगी तो अब उसका टेम्परेचर 40 से कम हो जाएगा, जो कि मैं आपको एग्जांपल दे रही थी स्टार्ट से। इसी तरह जो कोल्ड जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, अब वो हीट अब्सॉर्ब करेगी तो उसका टेम्परेचर 20 से राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट इज व्हाई हीट एक्सचेंजर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर हीट अप और कूलिंग डाउन अ फ्लूइड स्ट्रीम इन अ प्रोसेसिंग प्लांट। और इसलिए जब भी आप किसी फ्लूइड को हीट करना चाह रहे हैं या उसे कोल्ड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, आप उसे कूल करना चाह रहे हैं, तो हीट एक्सचेंजर इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जो फूड प्रोसेसिंग है उसके लिए भी, थर्मल प्रोसेसिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा एक
कूपेंट है जिसे डिफरेंट प्रोसेसिंग प्लांट में हम यूज करते हैं, और जो डिजायर्ड टेम्परेचर एक फ्लूइड का हम चाहते हैं वो डिजायर्ड टेम्परेचर हम इसके थ्रू अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है मेंटेनेंस ऑफ हीट चेंजर, यानी हम उसकी वर्किंग को किस तरह उसको इसी तरह है वो 100% उसकी एफिशिएंसी और वो अच्छे से काम करें। अब उन्होंने कहा कि अगर आपके पास प्लेट हीट एक्सचेंजर है तो उसको आप, क्योंकि उसमें डिफरेंट प्लेट्स अटैच है, तो उसे आप सबसे पहले उसके जो जॉइंट्स हैं उसे अलग करेंगे उन प्लेट्स को, और डिसेंबल करने के बाद उनको क्लीन कर सकते हैं आप, वाटर के थ्रू क्लीन कर सकते हैं आप, एसिड क्लीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने ये लिखा है कि आप किस किन मेथड के थ्रू उनको क्लीन कर सकते हैं, कि हीट एक्सचेंजर कैन बी क्लीन बाय सच मेथड एज एसिड क्लीनिंग, सैंड ब्लास्टिंग और हाई प्रेशर वाटर जेट। जो आपके पास एसिड क्लीनिंग, तो ये है कि आप एसिड पास करवाएं ताकि जितने भी डेपोजिशन हुई हुई है, फाउलिंग हुई हुई है हीट एक्सचेंजर की सर्फेसिस पे, वो सब क्लियर हो जाए। सैंड ब्लास्टिंग ये है कि प्रेशर के साथ, एयर प्रेशर के साथ, आप बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ क्वांटिटी में आप सैंड को पास करवाते हैं हीट एक्सचेंजर पे, ताकि वो जितने भी पार्टिकल्स जो कि या फाउलिंग या कोई भी जो हीट एक्सचेंजर पे अगर कोई भी चीज इस तरह की है जिसे कि साफ करने की जरूरत है, तो जब आप कोई भी चीज उसके ऊपर प्रेशर के साथ अप्लाई करेंगे तो प्रेशर के साथ वो चीज जो है उसको जो फाउलिंग या कोई भी डेपोजिशन हुई हुई है वो उसको अपने साथ उठाकर जो है वो प्रेशर के साथ ले जाएगी बाहर की तरफ, आउटलेट की तरफ। और हाई प्रेशर वाटर जेट, यही काम जो कि आप सैंड से कर रहे हैं बिल्कुल प्रेशर के साथ, वही आप वाटर के साथ भी कर सकते हैं। कि सिंपल अगर आप बहुत ज्यादा फाउलिंग या डेपोजिशन इक्विपमेंट में नहीं हुई हुई, कि बहुत ज्यादा खराब इक्विपमेंट नहीं हुआ, तो आप उसको क्या खाली वाटर के साथ, सिर्फ प्रेशर के साथ आप सिर्फ वाटर अप्लाई करेंगे, तो कोई भी अगर कोई मटेरियल जो थोड़ी बहुत उसको सफाई की जरूरत है इक्विपमेंट को, वो प्रेशर के साथ जब आप वाटर प्रोवाइड करते हैं तो वो खुद ब खुद प्रेशर के साथ उस आउटलेट की तरफ उन पार्टिकल्स को ले जाएगा और उसकी सफाई कर देगा। नेक्स्ट इज इन लार्ज स्केल कूलिंग वाटर सिस्टम्स फॉर हीट एक्सचेंजर्स, वाटर ट्रीटमेंट सच एज प्योरिफिकेशन, एडिशन ऑफ केमिकल्स एंड टेस्टिंग इज यूज टू मिनिमाइज फाउलिंग ऑफ द हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट। उन्होंने ये लिखा है कि अगर आप हीट एक्सचेंजर को कूलिंग सिस्टम में, वाटर सिस्टम में यूज करते हैं, तब आप क्या करेंगे कि आपने वाटर अगर खराब है उसमें कोई केमिकल या कोई भी पोल्यूटेंट या कोई भी इस तरह का पार्टिकल जो कि हीट एक्सचेंजर में जाकर उसकी वर्किंग को मुतासिर कर सकता है, तो उसको हीट एक्सचेंजर में अप्लाई करने से पहले आप उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं उस वाटर की। क्या वो प्रोसेस फ्लूइड है, आप उसको हीट एक्सचेंजर से गुजारना चाह रहे हैं, लेकिन अगर वो क्लीन नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है, तो सबसे पहले अब आप उसको ट्रीटमेंट से गुजारें, उसको प्योरीफाई करें, ताकि वो जो हीट एक्सचेंजर है उसको खराब ना करे और उस पर कोई डेपोजिशन पार्टिकल्स की ना हो। अदर वाटर ट्रीटमेंट इज ऑल्सो यूज इन स्टीम सिस्टम्स फॉर पावर प्लांट्स एक्सेट्रा to minimize fouling and corrosion of the heat exchanger and other equipment. इसी तरह उन्होंने कहा है कि वाटर ट्रीटमेंट करते हैं ताकि हीट एक्सचेंजर में कोई भी फाउलिंग और corrosion को रोकने के लिए, ताकि हीट एक्सचेंजर जो है वो अच्छे से काम कर सके मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ। नेक्स्ट वो जो हम एसिड क्लीनिंग की बात कर रहे थे कि एसिड के थ्रू भी हम बात कर सकते हैं, ये जो स्लाइड है वो अब उसको एक्सप्लेन कर रही है कि आपने किस तरह क्लीन करना है हीट एक्सचेंजर को। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इक्विपमेंट की कंडीशन कैसी है। अगर इक्विपमेंट जो है आप रेगुलरली उसको देखते रहे हैं, साफ करते रहे हैं, ज्यादा खराब नहीं हुआ है, इतनी डेपोजिशन नहीं है, तो अब वो पानी से भी हो सकता है, लेकिन अगर फाउलिंग है, बहुत ज्यादा डेपोजिशन हुई हुई है पार्टिकल्स की, तो आप क्या कर सकते हैं, एसिड यूज कर सकते हैं। तो अगर आप एक वीक एसिड से स्टार्ट करें सबसे पहले, क्योंकि अगर डिफरेंट प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, फिर भी आप एक वीक एसिड से स्टार्ट करें तो वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। और वो एसिड आप कौन सा यूज कर सकते हैं, वो 5% फॉस्फोरिक एसिड यूज कर सकते हैं, या फिर आप 5% ऑक्सैलिक एसिड भी यूज कर सकते हैं।
ताकि जो है वो, और ये तब आप यूज करें जब कि आप जैसे सपोज आप मंथली साफ करते रहे हैं, अब आपने क्या किया आफ्टर 6 months, अब आप कह रहे हैं कि अब आप एसिड क्लीनिंग कर लें, तो ये उस केस में अब आप इस तरह के ये जो वीक एसिड है इन्हें यूज कर सकते हैं। द क्लीनिंग लिक्विड शुड बी पाम्प थ्रू द एक्सचेंजर, यानी आप जो भी क्लीनिंग लिक्विड या एसिड है उसे वही प्रेशर पंप के थ्रू यानी प्रेशर के साथ आप उसे एक्सचेंजर से पास करवाएंगे। फॉर ऑप्टिमल क्लीनिंग द फ्लो रेट ऑफ द क्लीनिंग सोल्यूशन शुड बी एट लीस्ट 1.5 टाइम्स द नॉर्मल फ्लो रेट, के हीट एक्सचेंजर जितने फ्लो रेट के साथ आप वैसे जैसे आप पास कर रहे हैं, जब कोई चीज इक्विपमेंट में से पास करेगी तो वो किसी स्पीड में से उससे गुजर रही है, कोई उसकी स्पीड होगी, फ्लो रेट होगा जिसे हम कहते हैं। सो अगर आप चाह रहे हैं कि ऑप्टिमल क्लीनिंग हो, मैक्सिमम क्लीनिंग हो, अच्छी क्लीनिंग हो, तो जो नॉर्मल फ्लो रेट से आपके पास पानी या एसिड गुजरता है उसे 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप उसे यहाँ से पास करवा सकते हैं। प्रेफरेबली द फ्लो शुड बी इन अ बैक फ्लश मोड व्हिच हैज अ बेटर चांस ऑफ डिजॉल्विंग द स्केल बिकॉज इट अटैक्स द डेपोजिट फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अगर आप उसे बैक साइड से यानी उसके फ्रंट साइड की बजाय उसके बैक साइड से आप उसको प्रोवाइड करना शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छी फॉर्म में वो क्लीनिंग कर देगा, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई हो रहे होंगे। क्योंकि जब आपके पास डेपोजिशन हुई है वो तो जब आपने आगे से स्टार्टिंग पॉइंट इनलेट से आपने किया है तो वहां से वो डेपोजिशन हुई है, तो जब पीछे से पानी आएगा या एसिड आएगा क्लीन करने के लिए तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि वो सेटल हुए हुए होंगे तो वो बहुत अच्छे से उसको साफ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अब आपने एसिड से उसको साफ किया है तो अब उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने की भी जरूरत है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब आप कोई बेस जो है उसे पास करेंगे, जैसे कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, सो दैट जो कि कोई भी एसिड है वो अब इक्विपमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। और अगर आपने ये बेस भी प्रोवाइड कर दी है, आपने उससे भी साफ कर दिया है बेस से भी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट से आपने उसे क्लीन कर दिया, तो अब आप देखने के लिए कि कोई अंदर कोई डेपोजिशन कोई एसिड की रह तो नहीं गई, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। वन वे टू गेट एन इंडिकेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट रिंस टाइम इज टू टेस्ट द पीएच ऑफ द लिक्विड एट द आउटलेट फ्रॉम द हीट एक्सचेंजर, के अब आप उसमें से हीट एक्सचेंजर में से पानी पास कराएं, फ्लूइड को पास कराएं और जब वो आउटलेट में आए तो उसकी पीएच नोट करें। अगर उसकी पीएच 5 to 6 के दरमियान या 6 to 9 के दरमियान होगी तो उसका मतलब है कि वो न्यूट्रलाइज हो गया हुआ है, अब उसमें एसिड की कोई प्रेजेंस नहीं है क्योंकि आपने एसिड क्लीनिंग की है, तो वो न्यूट्रलाइज हो गया है और अब उसमें अच्छी उसकी सफाई हो गई है और अब उसमें कोई भी प्रॉब्लम प्रेजेंट नहीं है और अब आप उसको फर्दर वर्किंग के लिए यूज कर सकते हैं। सो जब आप उसको लिटमस पेपर से आपने क्योंकि पीएच फाइंड आउट करनी है, तो जब आप आउटलेट से एक लिक्विड की वाटर जो आया है उसकी एक क्वांटिटी जमा करेंगे किसी बीकर में या किसी भी उसमें, तब आप उसमें लिटमस पेपर जो कि हमें बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन की पीएच कितनी है, अब आप वहां से उसको लिटमस पेपर को उस वाटर में आउटलेट से जो वाटर आपने लिया है उसमें आप डिप करके देख सकते हैं कि अब उसका अगर वो इंडिकेट करता है कि इसकी पीएच 6 to 9 है तो इसका मतलब है कि एसिड जो है जितना भी वो आपके पास साफ हो चुका है। सो इस वे में जो है आप हीट एक्सचेंजर की मेंटेनेंस कर सकते हैं। सो कोई भी चीज आप वाटर सैंड या एसिड को प्रोवाइड करें, आपने उसे प्रेशर के साथ और एक अच्छे फ्लो रेट के साथ पास करवाना है ताकि जितनी भी डेपोजिशन या कोई भी फाउलिंग अगर इक्विपमेंट हीट एक्सचेंजर में हुई हुई है तो वो अच्छे से साफ हो जाए। ओके, मैंने थ्योरेटिकली मैं जितना भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैंने आपको इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट मैं ये कोशिश करूँगी कि आपके लिए मैं हीट एक्सचेंजर की एक वीडियो खुद बनाकर मैं अपलोड कर दूँ ताकि जो आपको इसका ऑपरेशन है वो बड़ी आसानी से और फॉर्म में समझ आ जाए। सो आप इसको पढ़ें और साथ ही मैं जो हूँ वीडियो भी ये थी हीट एक्सचेंजर से मुतल्लिक मैं अपलोड करूंगी, जिससे आपको इसका ऑपरेशन जो है अब आप उसे फिजिकली देख कर ऑपरेटर्स को, जिससे आपको इसकी बेहतर समझ आ सकती है। थैंक यू वेरी मच।